माय फ्रेंड्स, अभी शो शुरू नहीं हुआ है, अभी तो बस शो की शुरुआत है। आपके इंतजार में एमजे को रात भर नींद नहीं आई और एमजे खुद सुबह सुबह आ गया जायजा लेने के लिए शो कैसा है। जिस इंडियन को चाहत है, आरजू है कुछ कर दिखाने की, अगर आपको नमस्ते इंडिया के ग्रुप में ज्वाइन होके कुछ करना है तो हमें एक बात कहनी है, जितने बाजू उतने सर, गिन ले दुश्मन ध्यान से, हारेगा वो हर बाजी, खेले जो हम जी जान से, आओ आ जाओ। तो दोस्त, अभी शो शुरू नहीं हुआ है, बस आप इंतजार कीजिए एमजे के शो का। ये सपनों का महल है, ये महल नहीं आपके सपने हैं जो हम आज मिलकर पूरा करेंगे। सपने तो होते हैं, जरूर पूरा करना, बस
इतनी ही मिलती है। और हम महाराष्ट्र में है तो गणेश यानी गणपति बप्पा मौर्या। जय महाकाली, जय हनुमान जी। तो इनमें जी हम रात को सलामी देना पसंद करेंगे। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्रविड उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। वंदे मातरम। फ्रेंड्स, हिंदुस्तान के हर कोने से आप सब मौजूद हैं और आपको बैठ जाना चाहिए। प्लीज, आप हमारे मेहमान हैं और मेहमान जो होता है ना वो भगवान होता है। तो मेरे लिए आप भगवान हैं और मैं आपका छोटा सा सेवक। बस आपकी मंजिल को कैसे पूरा करना है उस पे ही आज बातचीत करने वाला हूँ। सबसे पहले हम अपना वेलकम स्पीच जो वीडियो बनाए एक बार हम चलाना चाहते हैं। इसे ध्यान से देखिए, इसे समझने की कोशिश कीजिए। नमस्ते इंडिया, ग्रेट गैम्बलर एज थ्योरी, बहुत सारी एज थ्योरी। सबसे पहले मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा कुछ स्पॉन्सर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो नोवोटेल चमेश रहते, सीने स्क्रीन, बॉडी डियर डियर, मीतू सलाद, वो उनका एक ब्रांड है स्पाइसी एंटरटेनमेंट एंड मीडिया लिमिटेड। तो कुछ ब्रांड आए, मुझे पावर चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो जो लोग बराबर में बिलीव रखते हैं, छोटा पैसे में बिलीव रखते हैं ना, उसको कामयाबी कभी नहीं मिलती। तो हमें फोकस करना है अपने काम के ऊपर। इंटरेक्शन का सेशन है, हॉट सीट भी आज, तो हॉट सीट, हॉट सीट पे कुछ लोगों को आने का मौका हम जरूर देंगे। आपका आया था कि आपने कहा कि सर अब स्टॉक मार्केट छोड़ देता हूँ, आप अपना एक्सपीरियंस बताओ। मेरा एक्चुअली फुल टाइम बिजनेस है, फिटनेस स्पोर्ट सप्लीमेंटेशन और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। तो वो टाइम पे प्रॉफिट के लिए ऑलमोस्ट कभी दो दो तीन तीन महीना वेट करना पड़ता था। और फिर बाद में जब हेज का पता चला, हेज ट्राई किया मैंने था, उसके बाद आपका सेमिनार संडे को हुआ था। तो जिस दिन मंडे को जैसे ही मार्केट ओपन हुआ, मेरे शॉर्ट पोजिशन थे निफ्टी पे, और वो मैंने सबसे पहले एक तो ओवर एक्सपोजर था, जितने भी मेरे मिस्टेक्स थे मैंने मिस्टेक्स भी हाईलाइट किए थे मेरे जितने भी थे सेमिनार में, कि ओवर एक्सपोजर है, आउट ऑफ कंट्रोल एक्सपोजर है। अगर मार्जिन 10 लाख रुपए है तो फिर मैंने 9, 8 लाख या 10 लाख के ऊपर का एक्सपोजर लेके रखा। तो सबसे पहले वो जितने भी सोचे थे मेरे गलत थे, मैंने कट कर दिए और वहाँ पे एक बार मैं लॉस बुक कर दिया। और उसके बाद से मैंने हेजिंग स्ट्रेटजी अप्लाई करके ट्राई करने के लिए एक एक लॉट चेक किया कि कैसे जा रहा है, क्या जा रहा है। तो ऑलमोस्ट सेकेंड डे पे मेरे फेवर में आ गया था स्टॉक ऑप्शन जो मैंने जो काम किया था वो। तो वही पोजिशन रोल करके हर वही सेम प्रिंसिपल्स पे रोल करके बार बार उसमें मुझे फिर प्रॉफिट आना चालू हुआ कंटिन्यूसली। एवरी डे मैं ऑलमोस्ट 10-15,000 25,000 बुक कर रहा था दोनों साइड के हेज सौदे में ही, एवरी डे सेम मार्जिन रख के। तो अभी उसके बाद से आपको कितना प्रॉफिट आपने अभी तक बुक किया है? मैंने टोटल प्रॉफिट 2,80,000 के आसपास बुक किया लास्ट एक महीने में। मतलब मार्जिन मनी कितनी थी आपके पास? मेरे पास लिक्विड स्टॉक ऑलमोस्ट 9 लाख रुपए का और मार्जिन 10-11 लाख के आसपास। लेकिन मैंने तो 3% का व्यापार सिखाया था, आपने 20% कैसे कर लिया? एक साल से एमजे सर को फॉलो करता हूँ मैं, एक साल से। तो पहले मैं क्या करता था, पहले मैं पेपर ट्रेडिंग करता था उनका हिसाब से। तो उसके बाद हम फॉलो किया था अप टू अगस्त में। अगस्त के बाद सितंबर में एमजे साहब का बहुत बड़ा सक्सेस आया, जो 11,300 में बोला था कि ये 10,400 आ जाएगा, लेकिन पहले 10,866। तो उसके पहले क्या हुआ था, मैं वॉच कर रहा था कि उनको बोला डीपी खाली कर दो। हमको उस समय डीपी का लेवल देखा था, जो डीपी में क्या हो रहा है। तो डीपी में तो देखा था जो सब क्रैश हो रहा है, हर हर महीने, हर हर 15 दिन 20 दिन सब क्रैश हो रहा है। ये मेरे को बहुत अच्छा लगा।
बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत गुस्सा भी हुआ था, मैं ठीक है इनके एक बार इनके साथ मिलना ही पड़ेगा, तो हमारा काम का अलग सा स्ट्रेटेजी है, लेकिन इनके मिलने के साथ मेरा और कुछ स्ट्रेटेजी बदल जाएगा, ट्रिक बदल जाएगा, ट्रिक सीखेगा, सीखने में तो कोई एंड नहीं है, हर आदमी जो सीखने में कोई एंड नहीं होता, तो इसलिए मैंने जुड़ लिया एनजे सर के साथ। जब भी जहाँ पे सेमिनार होता है मैं जाता हूँ एनजे सर को सेमिनार में, मैं पहले से बोल देता हूँ कि मैं पहुँच जाऊँगा, आप पहले मेरा नाम बुक कर लीजिए, क्योंकि ये मैं तो बेसिकली मैं ग्रेट ट्रेडर हूँ, तो और दो डे ट्रेडर और दो तीन मैक्सिमम दो तीन दिन उसके हम कैरी नहीं करते हैं, लेकिन एनजे सर के मिलने के बाद जो हेच थ्योरी जो मेरा कंसेप्ट है वो तो एकदम क्या बोलेगा फटाफट ही है, जो हेच थ्योरी बंगाली बाबू है तो थोड़ा फटाफट ही आएगा, फटाफट ही आए तो एकदम मतलब ये बढ़िया स्ट्रेटेजी मैंने सीखा था दिसंबर एंड में जब यूट्यूब में बोला था येस बैंक को लेके, जे 170 का कॉल पुट जो भी है अब ये कर दीजिए दोनों साइड कर दीजिए, 34 रुपये का फिगर है 34 रुपीज का, 204 के ऊपर जाएगा नहीं 134 के नीचे भी आएगा नहीं, अगर आपको बोथ साइड प्रॉफिट होगा। उसी के साथ मैं उसके दिन के बाद मैं उनका फैन हो गया, ये इसमें कुछ है, बहुत सारा है यूट्यूबर, बहुत सारा धंधाबाज है, ये चीज अलग है, ये एनजे सर के साथ जो है ना ये उसका ऑनेस्टी जो है वो मेरे को, मैं अभी भी उनके सामने सैल्यूट करता हूँ उनका जो ऑनेस्टी है। आपने निफ्टी रानी वो तो हम सबका रानी है, एकदम सबका रानी है, उसको लेके अगर मैं उसको लेके अगर दिन भर जो मेरा मित्र आया है सोनू ठक्कर, जो मेरा मित्र आया है मेरे साथ, हम उनको उनके साथ अगर चार बात बोलूंगा दिन भर में तो तीन बात निफ्टी को लेके बात करूंगा। दिस इज डेडिकेशन, यही सिखाना चाहता हूं। बड़ी शिद्दत से तुम्हें पाने की कोशिश की है, शिद्दत का मतलब यही होता है कि मुझे पूरी तरह से जुड़ना है। वो तो निफ्टी रानी है, सबका रानी है, तो निफ्टी के जो लेवल ऑलमोस्ट 9000 निफ्टी लॉन्ग करके बैठा है, बोला था जी ठीक है सपोर्ट में लिया है और देख रहा है सिंगापुर निफ्टी 100 पॉइंट 150 पॉइंट नीचे है, हम फोन किया था, हम बोला अरे घबराते क्यों है दत्ता साहब, अब घबराते हैं ना, वो मंडे को देखेगा सब नीचे आएगा और ले लीजिएगा दबा दीजिएगा और 9000 दबा दीजिएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऊपर मारेगा, अब देखिए क्या हुआ 11129 निफ्टी फ्यूचर मार दिए। कितना गैप खाया आपने उसमें? मेरा गैप मिला था, मैं काट दिया था 80 पॉइंट के आसपास, मैंने गैप काट दिया था। चलिए काली बजे, अब फिर इन्होंने क्या किया सितंबर के महीने में, कितना लॉस किया आपने? 50 लाख। कितना लॉस किया? 50 लाख। उसके बाद आपने हेज थ्योरी जो भी आपने अप्लाई की कितना पैसा आपने कमाया? अभी तक 5 लाख रुपया आ गया। और सिर्फ 5 लाख के सामने 5 लाख आया। इन्वेस्टमेंट कितना था? ओनली 5 लाख। जो थियरी सिखाया था नेक्स्ट वो थियरी मैंने अप्लाई किया तो उसमें कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया। उसके बाद आपका जो नालको का जो आया था जैसे उसने राइट किया था, मैंने 155 का ये पुट राइट कर दिया था, उसमें मुझे 4 लॉट किया था। उसके बाद आपका वेदांता का ये पुट मैंने राइट किया था, अभी आपका टाटा शिप का मैंने पुट राइट किया है वो 10 लॉट किया। ताली बजाइए, सिखाएंगे आपको भी। इसमें से कितने लोग हैं जिनके 100 करोड़ रुपए चाहिए? इतने लोग हैं जो चाहते हैं कि बस आराम से जीवन बीत जाए, कोई एक हैंडसम अमाउंट आ जाए और लाइफ में मस्ती आ जाए। ये सच है बस, यही सच है। यह सभी लोगों को चाहिए कि अगर 50-100 करोड़ रुपए बैंक में आ जाए और 10-1 लाख रुपए महीने का आराम से आ जाए तो हम अपना लाइफ पर एंजॉयफुल हो सकता है। कमाना तो सभी को आता है, नहीं भी आता है। इंटरप्रेन्योर की कहानी की हम शुरुआत करेंगे अब। उसके लिए हमने आपके लिए छोटा सा ब्रेन मैजिक के नाम से एक वीडियो बनाया है, उसको
आप समझने की कोशिश कीजिए, यहीं से आपकी कोडिंग शुरू हो जाएगी। द सीक्रेट, अब आप यानी कि यूनिवर्स में छुपा हुआ एक रहस्यमय सच। एक तालियां जरूर बजाए अपने सबकॉन्शियस माइंड के लिए। क्लास की इनकम बढ़ रही है कि कम हो रही है? कम हो रही है। खर्चे कम हो रहे हैं कि बढ़ रहे? क्या? यस, हम सबसे ज्यादा खर्च लग्जरी पे कर रहे हैं। आप जो भी व्यापार करते हो उसको कुछ अलग तरीके से शुरू कीजिए करना, जो मैं तरीका बताने वाला हूं, तो आपको कामयाबी मिलेगी। दत्ता साहब, आपको टेंशन होता है क्या लेवल पे काम करके? देखो उनको भी काम करके टेंशन नहीं होता। अभय जी, आपको टेंशन होता है क्या? आज जो ट्रेड करते हो उसके बाद आप चिंता में आते हो क्या? मैंने दो तीन एक्सपीरियंस किए, एक ही टाइम पे कोई शेयर लो और कोई शेयर बेचो, तो थोड़े टाइम के बाद क्या होता है, जो शेयर बेचा है वो बढ़ जाएगा, जो लिया है वो कम हो जाएगा। अच्छा, और बहुत बार क्या होता है कि जिस शेयर को आप लेते हैं वो हमारा लास्ट भाव होता है। यहाँ से कितने लोगों के साथ ऐसा होता है? सबके साथ। आज मैं कसम खाता हूँ कल से ऐसा नहीं होगा, कल से ऐसा नहीं होगा। ऊपर भागने लगता है ना, तब लगता है अब ये फट पड़ा, और वहां पे जाके आप तेजी का सौदा ले देते हो। जैसे 300 पॉइंट बढ़ गया, 200 पॉइंट बढ़ गया, लेवल का आपको नॉलेज नहीं है, आप ट्रेड लेते हो। इसलिए ऐसा सबके साथ होता है, क्योंकि इंसान का जो दिमाग है ना, तेजी में तेजी के साथ चलता है, मंदी में मंदी के साथ चलता है। वो है साइकोलॉजी, वो कॉन्शियस माइंड के कारण ऐसा होता है। लेकिन जैसे हम सब कॉन्शियस माइंड के बारे में जानेंगे, हमारे साथ ऐसा होना बंद हो जाएगा। मैंने आपको बोल के म्यूचुअल फंड तो पूरा खाली कर दिया था, और रोज आपका म्यूचुअल फंड एजेंट था इधर, खाली कर दिया सर। पूरा खाली करने के बाद में भी 50,000 रुपया मेरा बच गया, और 6-7 दिन पहले का बात है। अच्छा, उसके बाद 50,000 गिर गया? हाँ, गिर गया उसमें। और सर जी, रोज आपका शो देखता हूँ तो वाइफ बोलती है आप किससे करोड़ कभी भी एयरपोर्ट डालते नहीं, किससे क्या छूटते हो, और फोकट का 10,000 रुपया डाल दिया उधर जाने के लिए। मैं बोला नहीं, मैं पहले 50,000 कमा लिया और नालकों में मैंने 50,000 कमा लिया, और उसके बाद में तो सर बॉम्बे तो आने का ही है मेरे को, अहमदाबाद सोचूंगा जरा, अभी आपसे तो जुड़ना ही पड़ेगा। जुड़ना पड़ेगा, हाँ, मतलब थोड़ा बहुत तो जुड़ गया। मैं पुणे में था तो 1,000 रुपए का नौकरी करता था, और वापस पुणे आ जाया। एक साल से आपको मैं फॉलो कर रहा हूँ, मैंने आपकी कंसल्टेशन भी लास्ट ईयर। तिलक जी को मैं इनका परिचय दे दूँ, ये एक साल से मुझसे जुड़े हुए हैं, और मैंने आपका कंसल्टेशन लास्ट ईयर लिया था, तो काफी मैं आपको फॉलो करता हूँ, आपके लेवल्स भी इतने मैच हुए हैं जिसको मैं बिलीव, तो मतलब क्या मैं खुद ट्रेड कर रहा हूँ इसलिए मुझे। अच्छा, आपका ब्रोकर क्या बताता बोलता है जब ट्रेड लेते हैं? तो मुझे एक ही चीज पूछता है, तो किसको फॉलो करता है और वो कौन आदमी है, पहले मेरे को नाम बताया। मैंने बोला लेकिन ये रहस्य नहीं बताते कि आप भी इनका चैनल लेके टीआरपी बढ़ा दो। अरे नहीं, मुझे लॉस लग गया था एक बार, सर से मेरी 3 महीने पहले बात हुई, सर ने मुझे एक ही तभी लेवल कुछ निफ्टी का 10,860 के 870 था, तो सर ने बोला आप शॉर्ट क्यों नहीं करो, एक एक लॉट से शॉर्ट करो, 200 पॉइंट के ऊपर से आप शॉर्ट करना शुरू करो। वो हिम्मत सर ने जिस दिन मुझे दे दी, 2.5 से 3 महीने के अंदर मैंने 400 पॉइंट मैंने कवर कर लिया, आज मैं 400 पॉइंट प्लस में हूँ। सामने से फोन किया और इतना जरूर मुझे हिम्मत दी, और आज भी वो हिम्मत कायम है, और थैंक्स बोलना चाहूंगा सर आपको। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या करते हैं, उसको मरने से कोई नहीं बचा सकता, और एवरेज करने का पॉइंट कुछ अलग होता है। जैसे दत्ता साहब ने क्या किया था, 58 रुपए में नालिकों का कुछ लॉक किया, फिर उन्होंने एवरेज नहीं किया, एवरेज उन्होंने किया 50 के नीचे। तो आपको एक लेवल का जानकारी चाहिए कि अब इस लेवल पे मेरे को कितना एवरेज करना, तो वो तो स्टॉक फ्यूचर एवरेज किया, लेकिन कॉल पुट का एवरेज बायर को कभी नहीं करना चाहिए। मैं तो ये सलाह देता हूँ कि कॉल पुट आप लीजिए, उसे एग्जिट कीजिए 2-3 दिन में, या फिर जैकपॉट खेलना है तो वो लॉटरी का टिकट आप कटा के छोड़ दीजिए, लगेगा तो लग जाएगा, किंतु वो लॉटरी का टिकट है।
कि कॉल और पुट खरीदने वाले कितने लोग हैं? कॉल पुट बताते वही हिसाब से, जैसा मैंने परसों निफ्टी का 11,100 का कॉल बेचा है 134 में, उसके बाद थोड़ा ऊपर गया, ऑटोमेटिक नीचे आ चुका है अभी। और मैं पहले भी कॉल रेडिंग ही करता हूँ, पुट रेडिंग करता हूँ, मेरे को अच्छा खासा मुनाफा है, मुनाफा रहता है राइटिंग, अच्छा खासा मुनाफा रहता है। 8 महीने से ये मार्केट में इतना एक्टिव हूँ और कॉल ऑप्शन का भी इतना मुझे आइडिया नहीं है, तो मैं पोजिशन लेके ही करता हूँ। स्टार्टिंग में लॉस में था, आपके शो से 2-3 कॉल आपके लिए, जैसे एक नार्गो लिया, टाटा मोटर्स लिया, आशीर्वाद है अभी सर प्रॉफिट में हूँ। प्रॉफिट में? हाँ सर। एक्चुअली पहले तो बहुत पैसा गवाया था, लेकिन आपके लास्ट सेमिनार ज्वाइन करने के बाद उतना पक्का हुआ कि अभी लॉस नहीं करेंगे। अच्छा। तो लॉस करना बंद कर दिया और सिक्के की दूसरी बाजू प्रॉफिट चालू हो गया। तो आपने बताया था पहले तो कॉल पुट नहीं किया, सिर्फ निफ्टी में थोड़ा किया था और दोनों किया था, कॉल पुट दोनों लेके किया था, तो इसमें थोड़ा 10-15 पॉइंट माइनस था, तो इसमें 25-30 पॉइंट प्लस था, तो निकल जाता थोड़ा थोड़े में, लेकिन अच्छा प्रॉफिट मुझे नेल्को में हुआ। नेल्को में 4,000 लेके बैठा हूँ 47 के, तो वो अभी 32,000 मेरा प्रॉफिट उसमें ऐसे ही पड़ा है अभी। और डिविडेंड आएगा तो कम होगा, लेकिन वापिस वो बढ़े करके वो भी वो पड़े रहे, वो उसको छेड़ने का नहीं है बस। मतलब कोई फायदा किया आपने? फायदा टोटल अभी कॉल पुट लेके थोड़ा बहुत है प्रॉफिट कुछ 28,000 रुपया, और जो डिलीवरी लेके निकल गया था जो वेदांता में वो उसमें उसमें 8-9,000 है, यानी 40,000 प्रॉफिट है। इनका लॉस बंद हो गया, घर वाले से प्यार बढ़ गया, काम में भी वही आया। बात यह है कि आपका 10 बज गया अभी चालू नहीं होने वाला, देखो अब हो जाएगा अभी चालू। अच्छा, वो भी है याद है, जाते भी है तो भी 9:45 उसका रिमाइंडर आ जाएगा कि 10 बजने वाले पहले घर पे चलो। चलिए, क्योंकि उसको मालूम है कि यहां मुझे कुछ मिलने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इनका शो देखने के बाद 3 महीने से देख रहा हूँ, शुरुआत में कॉल्स एंड पुट्स में काफ़ी लॉस किया हूँ, और ये इनका कुछ लेवल्स सुनने के बाद ये लॉस अभी कम हो गए और अभी प्रॉफिट में आना चालू किया है। सो एंड आई थिंक कि यहाँ पे आने से खुद का प्रोफेशन के अलावा कुछ कर सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है। एट दिस एज मैं ट्रेडिंग करता था, लेकिन मैं जब ट्रेड लेता था तो हाई होता था, और जब मैं प्रॉफिट में था, डॉक्टर साहब का ट्रीटमेंट ले लो ठीक हो जाएगा, मैं प्रॉफिट में था तो जल्दी कट कर लेता था, और मैं जब ट्रेडिंग नहीं करता और मेरे दोस्त को बताता था तो वो दुगना तिगना 5 गुना पैसा कमाता था। लेकिन आपकी बात सुन सुन के कोई कोडिंग वगैरह ये सब ध्यान में आ गया, तो मैं सीखने की ट्रेडिंग सीखने की वजह से आपकी जो नॉलेज है बाकी का वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। मनोहर जी को दीजिएगा भाई। जय माँ काली। जय माँ काली। सर मैं इस लाइन में मतलब स्टॉक मार्केट में मेरे करीबी दोस्त समीर की वजह से आया हूँ, उसने मुझे आपसे परिचय कराने दिया। मैंने इसको बोला मैं लाइफ में बहुत लॉस कर चुका हूँ, आपको भी बोला, आपने भी बोला कि इस ये लाइन छोड़ दो, इसमें आपका नसीब नहीं। तो मैं लालच तो नहीं देता ना, नहीं दी फिर भी उम्मीद कायम है, आपने उम्मीद दिलाई। मैंने आपको बोला कि मेरा सब कुछ गया है, फिर आपने बोला कि आपके बदन पे कपड़े तो है। कंसल्टेशन के दौरान इन्होंने क्या बोला, आप सुसाइड करना चाहते हैं? मैं बोला मैं सुसाइड करूंगा, क्या करेंगे, बाप दादा का प्रॉपर्टी बेच के जीना है, जीने में क्या मतलब है। निवर जी आप ये बताइए, परसों के बाद आपको सुसाइड करने का दिल कर रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। हां संतोष। यस सर। लेकिन 2 दिन में आपके दिमाग में क्या परिवर्तन आया? उम्मीद कायम हो गई सर। उम्मीद कायम हो गई, फिर से जीना है। जीना है और लॉस कवर करना है। बहुत लॉस कवर करना है सर। मुझे अभी से इतना एक्सपीरियंस नहीं था, जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे एक ही दिन में 50 लाख का लॉस हो गया था, तो फिर मैंने बंद कर दिया था। लेकिन जब से 2-3 महीने सबका ये देख रही हूँ शो, तो अभी 3-4 दिन से मैंने फिर से ट्रेडिंग स्टार्ट किया है। नैनको में मुझे 10,000 मिले थे और बाकी जो ट्रेडिंग किया उसमें 3 ही दिन में 1 लाख रुपये मिले। कामयाबी मिलती नहीं है, कामयाबी छीननी पड़ती है। अगर आप ये सोचते हो कि कामयाबी आपको आपके भाग्य से मिलेगी, आपकी किसी अंगूठी से मिलेगी, देखो मैं अंगूठी पहनाता हूं, लेकिन फिर मैं कहता हूं कामयाबी आपको किसी अंगूठी से नहीं मिल सकती, और कामयाबी खैरात में भी नहीं मिल सकती, कामयाबी आपको छीननी पड़ेगी।
में सपने ज्यादा मत देखो, यूएस सट्टे का भी शो होगा। ये लाइफ की जो अचीवमेंट्स है, लाइफ के जो गोल है, उसके लिए मैं बातचीत कर रहा हूं, उसके लिए बातचीत कर रहा हूं। अगर मैं अपने सारे सपने पूरा कर सकता हूं तो आप क्यों नहीं। दोस्तों, उस अनजाने सफर के लिए अब हम सब तैयार हैं। जिस प्रोसेस की मैं बात करूंगा, बस आपको उस प्रोसेस के साथ अपने आप को डाल देना है। आंखें अभी मत खोले, अपनी गर्दन को, अपनी पीठ को सीधा कीजिए, अपने हाथ को, अपने दोनों पांव को बस सीधा कीजिए। बड़ी तकलीफ हो रही है क्योंकि शरीर सीधा हो नहीं रहा, लगता है ये तो कट चुका है, लेकिन आत्मा रूपी ऊर्जा फिर से आपके शरीर में पहुंच चुकी है। अब आप धीरे धीरे अपने शरीर में ऊर्जा को अनुभव कीजिए, धीरे धीरे अपनी आंखों। जादू है जादू। हाँ, तो 515 का करंट मार्केट प्राइस जो उस दिन था जब मैंने दिया था, तो मैंने एक 480 का पुट लेने बोला था, नीचे लिखो 480 का पुट लेने बोला था, ₹5 उस दिन प्रीमियम था। तो ये जो जैकपॉट मांगते हैं उनके लिए ये ट्रेड होता है कि भैया जैकपॉट दे दो, तो जैकपॉट ले लो भाई। अब क्या हुआ, लेवल निकालना बाद में समझाऊंगा, पहले कॉल पुट की थ्योरी को आप सीखिए। तो देखो, अब टाटा स्टील के साथ क्या हुआ, टाटा स्टील 2-3 दिन में ऊपर में गया 525, मेरे को लेवल का नॉलेज था, 525 गया और 530 का कॉल 9 से 12 बिका हुआ। कितना बिका? 9 से 12 रुपए तक वो ऊपर गया 2-3 दिन में। कॉल खरीदने वाले को 3 रुपए का प्रॉफिट जरूर आया, जरूर आया। लेकिन कॉल पुट बायर को मेरी ये सलाह होती है कि लॉस और प्रॉफिट तुरंत बुक करें। अगर आपके कॉल और पुट की खरीदारी में 1-2 दिन में लॉस आया तो लॉस को बुक करो, प्रॉफिट आया तो प्रॉफिट को बुक करो। वहां से ये बढ़ के 180 पे गया था और 80-82 में गैप अप है इसके पास, उस गैप को उसने फिल अप कर लिया, ठीक है। अब ये 182 का मेरा टारगेट अचीव किया उसने और ये लेवल्स के द्वारा ही मैं अपने लेवल्स निकालता हूं और ये आप भी बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। दो चीज बताइए, एक बताइए कि 3 महीने में पिताजी ने कुछ पैसा कमाया कि नहीं कमाया? उधर देखिए बोलिए, कितना कमाया? 3 लाख रुपए इसके फादर ने कमाया 3 महीने में मुझसे मिलने के बाद, 50 लाख रुपए लॉस करके आए थे। ये नॉलेज देने के लिए आपका खूब खूब आभार मानता हूँ मैं और सारे यहाँ जो पार्टिसिपेंट है वो सबका भी मैं आभार करता हूँ। एक अच्छी टीम बनी है आज और बहुत सारा हमने सीखा है। मैं डेल्टा आईजी में भी बैठ चुका हूँ, मैंने वहाँ भी बहुत लॉस किया था, लेकिन शायद वो टाइम मेरे पास ये नॉलेज नहीं थी। अगर ये नॉलेज होता तो मैंने जहाँ उतना जितना तोड़ा था उससे शायद ज़्यादा कमा के बाहर आया होता। सो थैंक यू वेरी मच। वो हिसाब से मैं बता सकता हूँ कि ये एडवांस थियरी में 100% 7-10% हम लोग को मिलेगा। कितने दिन में? 1 महीने में। एक-एक सीरीज जो एक-एक और नॉर्मल केस में अगर ये स्ट्रेटजी कंटिन्यू की तो एटलीस्ट 3-5% तो श्योर मिलेगा एडवांस थियरी में। How's the jazz? Hi, sir.